दुनिया में हर अच्छा इंसान समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए एक वरदान जैसा होता है, और कुछ ऐसी ही चीज पंकज त्रिपाठी के साथ हो रही है। पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता तो बेहतरीन है ही है, साथ में अच्छे इंसान भी है, और उनकी अच्छी इंसानियत आप इस वीडियो में भली भांति समझ सकते हैं। मतलब एक इंसान चाहे तो दुनिया में, समाज में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, बस उसके इरादे नेक होने चाहिए। कहानी फिल्म फुकरे की शूटिंग की है। फुकरे फिल्म की शूटिंग जो है दिल्ली में चल रही थी। पंकज त्रिपाठी इसमें काम कर रहे हैं, पहली भी दो फिल्मों में काम कर चुके हैं फुकरे के। और यहीं पर पंकज त्रिपाठी से मिलने उनके एक परिचित इंसान जो कि बेहद करीबी है, वो वहां पर सेट पर पहुंचे हुए थे। पंकज त्रिपाठी गांव का हालचाल पूछते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कि गांव में क्या चीजें चल रही है, तो वो इंसान गांव की सभी चीजों के बारे में बताता है थोड़ा संक्षिप्त रूप में। फिर उसके बाद कहता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन जिस विद्यालय से आप और आपके पिताजी पढ़े हैं उस विद्यालय की हालत बहुत खराब है। पंकज त्रिपाठी पूछते हैं कि क्या हो गया है। वो शख्स बताता है कि स्कूल की दीवार नहीं है, स्कूल के जो रंग रोदन हुए थे वो निकल चुके हैं, विद्यालय एकदम ऐसा हो चुका है कि जगह जगह से दीवारें टूटी फूटी नजर आ रही हैं, क्लास में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, और जो ब्लैक बोर्ड है वो भी खराब अवस्था में है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम ढंग का नहीं है, और भी बहुत सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए वहां पर वो नहीं है, बस विद्यालय नाम मात्र के लिए विद्यालय है। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। पंकज त्रिपाठी ने उस विद्यालय के चारों तरफ दीवार बनवा दी, पूरे विद्यालय का रंग रोदन करवा दिया, एक एक क्लासरूम का अलग अलग नाम रखवा दिया, अलग अलग हिसाब से लाइट लगवा दिया, पंखा लगवा दिया, पीने का पानी का नल लगवा दिया, जो बाथरूम सुलभ शौचालय जो भी थे वहां पर उन सबको ठीक कर दिया, बेंचेस वगैरह बदलवा दिए, फिर उसके बाद सोलार भी लगवा दिया वहां पर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो बच्चों को पढ़ने में तकलीफों का सामना ना करना पड़े। तो वो सारी चीजें कर दी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पंकज त्रिपाठी जो हैं इन सब चीजों का क्रेडिट नहीं ले रहे। अब आप सोच लीजिए कि ये काम जो उस राज्य के नेता को करना चाहिए था वो पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं। और चाहते तो ये जो नेता लोग हैं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब पंकज त्रिपाठी ने जो ये काम किया है, अगर किसी नेता ने किया होता तो अब तक वाहवाही लूटने के लिए दुनिया भर के विज्ञापन भर दिए जाते अखबारों में, सोशल मीडिया पर, और मारपीट हो जाती कि ये काम मैंने करवाया है, मैंने करवाया है। लेकिन पंकज त्रिपाठी का कहना है कि ये मैंने नहीं करवाया है, ये तो सब ईश्वर की कृपा है, उसी ने करवाया है। और पंकज त्रिपाठी ने एक ट्रस्ट ओपन किया है जो उनके माताजी और पिताजी के नाम पर है, यानी कि पंडित बनारस तिवारी और हेमवती देवी, जो इनके माता पिता के नाम पर ये ट्रस्ट चलवा रहे हैं, उसी के जरिए ये काम सब कुछ करवाया गया। लेकिन आप सोच लीजिए कि एक छोटी सी बात जो उस गांव के शख्स ने, जो गरीबी ने पंकज त्रिपाठी से कही, और पंकज त्रिपाठी ने जरा सी भी देरी ना करते हुए जितनी भी चीजें हो सकी अपने तरफ से करवा दी। अब कुल मिला जुलाकर ये 35-40 लाख रुपए का काम है जो सरकारें नहीं करना चाहती हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने कर दिखाया। हालांकि इसमें पंकज त्रिपाठी ने अपने थोड़े दिमाग का भी इस्तेमाल किया, जैसे दीवारों को पेंट करवाना था तो वो बर्जर पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे कह दिया, वो कर दिए। पंखे वाला काम वो जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे कह दिया तो उन्होंने पंखे लगवा दिए। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें करवा दी, लेकिन आप करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहेंगे तो आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पंकज त्रिपाठी जैसे लोग जो हैं वो वाकई में देश के लिए वरदान है।